उधर विजय दिवस के मौके पर हल्द्वानी के शहीद पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व सैनिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जांबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर 3 वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि आज का दिन उन वीर सैनिकों को याद करने का है जब हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि साल 1971 का युद्ध इतिहास के पन्नों में सबसे 13 दिनों तक चला जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए थे। कार्यक्रम में विधायक सुमित हृदेश सहित एसएसपी पंकज भट्ट और जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। 10 दिसंबर 1971 को हमको भदुरिया क्रॉसिंग ढाका में एक धान की मेड़ के नीचे लेआउट कर दिया गया। टेस्ट मेरे बगल में एमएमजे वाला जवान था जिस पर गोली लगी तो मैं बच गया, वो मर गया। उसके बाद जो है हम 7 दिन कीचड़ में रहे कि पूरा हमारा आगे का जो शरीर था गल गया था। 65 के युद्ध में हम भी तो 65 का युद्ध हुआ था तो हम जंगल में युद्ध के लिए गए थे तो वहाँ युद्ध किया हमने कुशपुर के पोस्ट में और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर हमारी जीत हुई और उसमें हमको ज़्यादा सबसे पहले जो गोली आई जो कि मेरे सीने से टकरा के गई। सैम मानेकशॉ जी को आज हमें अरोड़ा जी को याद करना पड़ेगा। आज किस प्रकार से 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे जिन्होंने सरेंडर दिया था बांग्लादेश में और जिस प्रकार से अतिरिक्त दबाव अमेरिका ने उस समय हिंदुस्तान पे बनाया हुआ था कि हमारी 7th फ्लीट पैसिफिक में है और उसके बावजूद जो उस समय की प्रधानमंत्री थी हमारी स्वर्गवासी इंदिरा गांधी जी जिस प्रकार का राजनीतिक कौशल का उन्होंने परिचय दिया अवश्य वो भी आज हमें याद करना।